नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में फिर एक बार एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नाबालिग बच्ची आरोपी के पास माँ के कहने पर रुपए लेने पहुंची थी। दरअसल इंदौर में नाबालिग बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे ही ताजा मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र में सामने आया, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची अपनी मां के कहने पर आरोपी के पास 100 रुपए लेने के लिए पहुंची थी, जहां आरोपी ने 100 रुपए देने से पहले नाबालिग बच्ची को घर के अंदर ही अश्लील वीडियो दिखाया और फिर अश्लीलता करने लगा। इसके बाद नाबालिग बच्ची रोती बिलखती हुई अपने परिजनों के पास पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग बच्ची का मेडिकल चेकअप कराने के बाद पास्को एक्ट के सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। तो वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी भी घर के नजदीक का ही रहने वाला है। ताकि माँ जो कि फरियादी है उसके द्वारा थाना चंद्रनगर में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके जो उसने अपनी बच्ची को पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के पास 100 रुपये लेने के लिए उधार लेने के लिए भेजा। बच्ची बाद में रोती हुई आई, उसके द्वारा बताया गया कि अंकल ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है। फिलहाल दुष्कर्म विभिन्न धाराओं के तहत पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। वो आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। वो अश्लील वीडियो भी दिखा था। हाँ, उसको मोबाइल पर वीडियो दिखाया, उसके साथ गलत हरकत करने लगा था। तो उस पर बच्ची रोती हुई अपने घर गई, अपनी माँ को बताया तो माँ ने फिर आकर थाने में शिकायत की, जिससे कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म विभिन्न धाराओं के तहत पॉस्को एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।